राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या के दिन भाग्योदय के लिए राशि के अनुसार क्या करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, चीजों को बहुत सही तरीके से करते हैं और हमें पता होता है कि हम में जीत लेने की काबिलियत है, लेकिन हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, जिसके कारण हमें परिणाम अपने मन के अनुकूल नहीं मिलते। ऐसे में हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन होता है, हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं कि अब हम क्या करें। भाग्य का साथ देना कर्म के बराबर ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे कर्मों का एंड रिजल्ट हमें तभी अच्छा मिल सकता है जब हमारा भाग्य भी हमारा साथ दे। सोमवती अमावस्या एक ऐसा दिन है जिसका शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। ये दिन भगवान शिव और चंद्र को समर्पित दिन है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के दर्शन और आराधना करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है। वहीं चंद्रदेव को शास्त्रों में मन का कारक माना गया है और इसी दिन अमावस्या पड़ने का अर्थ है मन संबंधी दोषों के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होना। शास्त्रों में चंद्रमा को ही समस्त दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का निवारक व कारक माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी उपाय आप करते हैं, वे उपाय बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं और साथ ही साथ हमें देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे हमारा भाग्य प्रबल होता है। तो इस दिन अपने भाग्योदय के लिए आप जो भी उपाय करेंगे, वो बहुत जल्दी फलीभूत होंगे भगवान शिव की कृपा से और आपको परिणाम काफी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सोमवती अमावस्या के दिन भाग्योदय के लिए आपको आपकी राशि के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए। जो उपाय हम यहाँ आपको बता रहे हैं, वो चंद्र राशि के आधार पर बताए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग केले का दान किसी गरीब को करें सोमवती अमावस्या के दिन। इस राशि के पुरुष अपनी पत्नी या माता को लाल साड़ी इस दिन उपहार में दें और उनसे छोटे बच्चों को मिठाई का दान करवाएं। ऐसा करने से मेष राशि के जातकों का निश्चय ही भाग्योदय होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन निर्धन को अन्न का दान करें और सफेद कपड़े पहने और किसी सुहागिन को सुहाग का सामान दान करें, निश्चय ही उनका भाग्योदय होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं, उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन हरे कपड़े पहनने चाहिए और गाय को घास खिलाना चाहिए। 10 साल से छोटी कन्या को इस दिन आप मिठाई का दान करें और गणपति मंदिर में जाकर के भगवान श्री गणेश का विधिवत पूजन करें, इससे आपके जीवन में आ रहे सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्ति को इस दिन किसी निर्धन को जूते चप्पल का दान करना चाहिए और साथ ही साथ छोटी बालिका को कपड़ों का दान करना चाहिए। किसी गरीब महिला को अपनी पत्नी या माता से जलेबी का दान जरूर करवाना चाहिए कर्क राशि वालों को। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और घर की स्त्री को भी लाल वस्त्र पहनाने के लिए बोलें। इसके पश्चात सपरिवार निर्धन व्यक्ति को फलों का दान करें। फलों का दान करना सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे सभी दूर होंगी। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और साथ ही साथ पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए और पत्नी के साथ पितरों के लिए धूप दीप करना चाहिए। कन्या राशि के व्यक्तियों को छोटे बच्चों को फल का दान भी करना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों को सोमवती अमावस्या के दिन सफेद कपड़े पहनने चाहिए और अपने घर में बैठाकर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। घर की स्त्री को वस्त्रों का दान करना चाहिए और अपनी बहनों को कोई सोने या चांदी के आभूषण दान करना चाहिए। ऐसा करने से तुला राशि वालों का निश्चय ही भाग्योदय होगा।
वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। लाल रंग के कपड़े पहन करके गेहूं और गुड़ का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए और निर्धन बच्चे को दूध का दान भी करना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को मिठाई खिलानी चाहिए। अगर आपको भाग्योदय की इच्छा है तो निश्चय ही सोमवती अमावस्या के दिन आपको ये कार्य करना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि के लोगों को सोमवती अमावस्या के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और ब्राह्मण को अरहर की दाल दान में देना चाहिए, साथ ही साथ बेसन की मिठाई छोटे बच्चों को खिलानी चाहिए और किसी निर्धन को काले चने का दान भी अवश्य करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्ति भाग्योदय के लिए सोमवती अमावस्या के दिन नीले रंग के कपड़े पहने और किसी निर्धन को तेल का दान अवश्य करें, साथ ही साथ मरीजों को दवाइयों का दान करें और खाने में तली हुई चीजें अवश्य शामिल करें। साथ ही साथ मकर राशि वालों को सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए, ऐसा करने से निश्चय ही उनका भाग्योदय होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को भाग्योदय के लिए सोमवती अमावस्या के दिन काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, खाने में तेल से बनी चीजें शामिल करनी चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन और किसी निर्धन को तेल, नमक और राई का दान करना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को समोसे और कचौरियां खिलानी चाहिए। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को सोमवती अमावस्या के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए और बेसन से बनी मिठाई का दान करना चाहिए, साथ ही साथ किसी दंत रोग के पीड़ित को दवाई का दान करना चाहिए और अपनी पत्नी को स्वर्ण आभूषण दिलवाना चाहिए। तो राशि के अनुसार अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन ये कार्य करते हैं तो निश्चय ही आपका भाग्योदय होगा। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।